वेलकम फ्रेंड्स कंटेंट वर्ल्ड पर। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ मैं अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ। और आज की स्कीम है सोइल हेल्थ कार्ड। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था 2015 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। और ये स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि स्टेट्स एंड द सेंटर जो है वो शेयर करेंगे जो भी इसका एक्सपेंस होगा। तो दोस्तों इसको हर 2 साल में इशू किया जाता है। और इसमें बताया जाता है कि जो डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की उसके बारे में। और दोस्तों इसका जो रिकमेंडेशन की जाती है वो क्रॉप वाइज की जाती है कि जो न्यूट्रिएंट्स और जो फर्टिलाइजर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द इंडिविजुअल फार्म्स, अगर फार्मर चाहे तो वो रिकमेंडेशन ले सकता है फॉर एडिशनल क्रॉप्स के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज को डेवलप करने के लिए एक प्रमोट किया जा रहा है। और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए और उनको जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है और जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में एक इफ़ेक्टिव लिंकेज बनाया जा सके। दोस्तों ये कैपेसिटी बिल्ड करना किनका, जो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल जो स्टाफ है उनका, और जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो जो एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको लाया जाए ताकि एक जो बैलेंस यूज है फर्टिलाइजर्स का वो किया जा सके और इससे फार्मर की एक एडिशनल इनकम हो सके, क्योंकि इससे उसके जो यील्ड बढ़ेगा और इससे सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ हम जा पाएंगे। दोस्तों जो स्टेटस होता है वो 12 पैरामीटर्स पे होता है। वो 12 पैरामीटर्स आपके सामने दिए गए हैं जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड फिजिकल पैरामीटर्स। दोस्तों इसके बेस पे जो सोइल हेल्थ कार्ड है वो प्रोवाइड करता है 2 सेट 6 क्रॉप्स के लिए। जो 3 होंगे वो खरीफ के लिए होंगी और जो 3 होंगी वो रबी के लिए होंगी। और ये रिकमेंड करता है ऑर्गेनिक मैन्योर्स को भी। फार्मर्स अपने जो सोइल सैंपल है उनको ट्रैक कर सकता है जो सोइल हेल्थ कार्ड का पोर्टल है उस पर। और इस स्कीम के अंडर जो गांव के यूथ है और जो फार्मर हैं वो 40 साल से नीचे के वो एलिजिबल हैं सोइल हेल्थ लेबोरेटरीज़ सेटअप करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस, जिसके अंदर जो सोइल सैंपल कलेक्शन है वो की गई थी एक इंडिविजुअल फार्म होल्डिंग की, किसके साथ, फार्मर की पार्टिसिपेशन के साथ। बिना सैंपल जो कलेक्ट पहले किए जाते हैं वो ग्रिड में किए जाते थे, अब इसमें इंडिविजुअल फार्म होल्डिंग की सैंपल लिए गए हैं। दोस्तों अभी जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है उसके अकॉर्डिंग 8 से 10% तक केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम हुआ है और जो प्रोडक्टिविटी है वो 5 से 6% तक बढ़ी है। तो दोस्तों देखते हैं क्या है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ये एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्टिविटी कल्चर को प्रमोट करती है। और ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कब, 1958 में। ये एक ऑटोनोमस है मल्टी पार्टी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।